पंजाब के लुधियाना में बुधवार देर शाम एक गाड़ी से 50 लाख से ज्यादा रुपए चोरी हो गए। घटना लुधियाना के समराला चौक पर हुई है। जिस गाड़ी से ये रकम चुराई गई वह चंडीगढ़ के एक व्यापारी की है। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर समराला चौक के पास गाड़ी सड़क पर लगाकर किसी काम से गली के अंदर गया। कुछ देर बाद लौटा तो गाड़ी के ड्राइवर साइड वाले पिछले दरवाजे का शीशा टूटा हुआ और सीट पर रखा पैसे वाला बैग गायब था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पंजाब केसरी के लिए विजय की रिपोर्ट। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸਰ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਸਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹਦਾ? ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਬਰੀ? 8 ਲੱਖ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਰ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ।